Standard 7, subject English grammar. Assignment 6, the special verbs. Let's start. Assignment 6, and it is the special verbs be, have. The verbs be and have are called special verbs because they don't need the auxiliary to form the negative. और द इंट्रोगेटिव एस ऑल अदर वर्ब्स डू बी एंड हैव वो एक स्पेशल वर्ब है क्यों क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो ये जो वर्ब हैं बी एंड हैव उनको और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं रहती है उसके एग्जांपल्स दिए हैं नीचे फर्स्ट वन इज ही इज हैप्पी ये एक कैसा स्टेटमेंट है एक अफर्मेटिव सेकेंड ही इज नॉट हैप्पी नोट सेंटेंस में जो नोट आता है वो क्या दिखाता है कि सेंटेंस कैसा है नेगेटिव तो सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड थर्ड इज इज ही हैप्पी इज ही हैप्पी पीछे क्वेश्चन मार्क अब क्वेश्चन मार्क से लगने से हमको ये पता चलेगा कि यह सेंटेंस कैसा है इंट्रोगेटिव तो दो बात यह आप जानते ही होंगे कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो वह सेंटेंस कैसा कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस और अगर किसी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क है तो वह सेंटेंस कहलाएगा इंट्रोगेटिव अब आगे नाउ रीड दिस सेंटेंसेस सी हैड अ कार ये कैसा एक सेंटेंस है अफर्मेटिव सेकंड सेंटेंस सी हेड नॉट और ब्रैकेट में है एंड अब हेड नॉट और हैडंट दोनों एक ही है अगर हमको शॉर्ट फॉर्म यूज करना होता है तो हम हैडंट यूज करते हैं नॉट का है ना तो सी हैड नॉट अ कार ये कैसा सेंटेंस हुआ एक नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड हेड सी अ कार पीछे क्वेश्चन मार्क तो ये कैसा हुआ इंट्रोगेटिव अब ये वाले तीन सेंटेंस और इससे पहले वाले जो हमने तीन सेंटेंस देखे उसके बारे में इधर नीचे लिखा है इन ऑल द अबव सेंटेंसेस नो ऑक्सिलरी इज यूज विथ द फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरीज़ बी एंड हैव टू फॉर्म देयर नेगेटिव और द इंट्रोगेटिव इसमें कहा है कि ऊपर ये जो आपने सेंटेंस लिखे हैं उसमें ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं किया गया है और किसकी ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं किया गया है ऑक्सिलरीज बी और हैव उनके जो फॉर्म हैं उनका यूज़ नहीं किया गया है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसके बाद है नाउ रीड द फॉलोइंग द बर्ड इज़ फ्लाइंग किसके नीचे अंडरलाइन है इस सेकंड द गर्ल्स आर डांसिंग किसके नीचे अंडरलाइन आर थर्ड आई एम रीडिंग किसके नीचे अंडरलाइन है एम द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस अबो आर ऑल ऑक्सिलरीज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब बी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेसिव टेंसेस और ये जो टेंसिस आपको दिख रहे हैं ऊपर के तीन वो टेंसिस वो टेंसिस कौन से हैं प्रोग्रेसिव टेंसिस है ना इस प्रोग्रेसिव टेंसिस का जो फॉर्मेशन है ये जो टेंस फॉर्म किए हैं उसमें वर्ब बी के फॉर्म आ रहे हैं एम इज आर अब इस ये जो टेंस है उसका अगर हम इन्वर्जन करें यानी कि थोड़ा आगे पीछे करके करेंगे क्यों क्वेश्चन पूछने के लिए ना देर इज़ एन इन्वर्जन फॉर द क्वेश्चन अगर हमको क्वेश्चन पूछने के लिए अगर इस सेंटेंस में थोड़ा आगे पीछे करते हैं और उसका जो हम बाद में आंसर देते हैं वो किस में आता है या तो फिर यस में या तो फिर नो में यस में भी शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है और लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है वैसे ही नो में शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है और लॉन्ग फॉर्म में आ सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया है ये वाला इज द बर्ड फ्लाइंग क्वेश्चन मार्क तो इसके शॉर्ट फॉर्म और ये रहे लॉन्ग फॉर्म और अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर देते हैं तो कैसे देंगे यस इट इज और नो का कैसे देंगे नो इट इज नॉट या फिर इट इज इट इजेंट और लॉन्ग फॉर्म में कैसे देंगे यस द बर्ड इज फ्लाइंग और नो द बर्ड इज नॉट फ्लाइंग या तो फिर नो द बर्ड इज फ्लाइंग तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ये आने चाहिए जो आपको पहले भी आ चुके हैं और एक एग्जांपल पहले जो अभी देखे थे वो बी के देखे थे अब ये वाले एग्जांपल है वो हैव के हैं नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ सी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क ही हैड मेट मी वंस बिफोर अब ये तीनों में किसके नीचे अंडरलाइन है जो हैव के फॉर्म है उसी के नीचे है ना हैव के फॉर्म कौन से हैंव हैज हैड उन्हीं के नीचे अंडरलाइन है द अंडरलाइन वर्ड्स इन देंटेंसेस अबउ आर auxiliaries formed from the verb have in the formation of perfect tenses. अब ये जो tenses है वो किसके हैं tenses? वो sentence है perfect tenses के और इसके formation में have के auxiliaries का use किया है किया है हाँ तो अब और क्या कह रहे हैं कि देर इज़ एन इन्वर्जन यानी कि अगर इस सेंटेंस को हम इन्वर्जन यानी कि आगे पीछे करें क्वेश्चन पूछने के लिए तो इसके भी जो आंसर होंगे वो किस में होंगे या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में होंगे या तो फिर लॉन्ग फॉर्म में उसके आंसर होंगे तो उसके लिए एग्जाम्पल देखें तो ये रहे उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क तो उसके शॉर्ट फॉर्म अगर यस yes से करेंगे तो यस yes, ही हैस और अगर नो से करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म नो ही हैज़ नॉट या तो फिर ही हैजेंट और लॉन्ग फॉर्म में कैसा होगा यस लॉन्ग फॉर्म ये रहे उसमें यस yes का कैसा होगा ही हैज़ फिनिश्ड हिस वर्क या तो फिर अगर नो में करना है लॉन्ग फॉर्म में तो नो ही हैज़ नॉट या तो फिर ही हैजेंट फिनिश्ड हिस वर्क ही नो ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क अब इसके नीचे जो एक एक्सरसाइज दी गई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके आंसर भी ऐसे ही हमको शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में करना है शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों शॉर्ट फॉर्म आपको पहले भी सीख चुके हो तो वो थोड़ा रिवाइस कर लेना ताकि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करें उसमें आपको जल्दी से याद आ जाए ओके थैंक यू स्टूडेंट्स